खबर सुल्तानपुर जनपद से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत विकास खंड कादीपुर के सौजन्य से नेशनल इंटर कॉलेज कादीपुर के ग्राउंड में सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें एक दिव्यांग जोड़े सहित कुल 127 जोड़े की शादी कराई गई। प्रति जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 51,000 की धनराशि में से 10,000 रुपए के जेवरात सहित घरेलू सामग्री एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 2 फलदार वृक्ष प्रदान किया गया तथा कन्या के खाते में 35,000 की धनराशि व्यक्तिगत खाते में DBD के माध्यम से धनराशि आंतरित की जाएगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विधायक कादीपुर राजेश गौतम, विधायक सदर जयसिंहपुर राजप्रसाद उपाध्याय, सदस्य विधान परिषद सरेंद्र प्रताप सिंह, प्रमुख क्षेत्र पंचायत कादीपुर दिलीप चौधरी, जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा, खंड विकास अधिकारी संदीप सिंह, सम्मानित जन प्रतिनिधि एवं प्रधान तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत द्वारा नवयुगल दंपति को आशीर्वाद दिया गया। अंत में जिलाधिकारी द्वारा समस्त नवयुगल दंपति हेतु सुख समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुण ध्वज सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते नगरों के रिश्ते नहीं तोड़े जाते बोली है कसम वो कसम तुम निभाना के हमने को तन्हा उम्र है गुजरी के हमने को तन्हा उम्र है गुजरी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी तुम्हारे कदम तुमे ये दुनिया चारी तुम्हारे लिए बहारों के मौसम नहाए कभी जिंदगी में कोई गम हमारा है क्या यार हम है दीवाने हमारी तड़प तो कोई भी न अधिकारीगण वीडियो साहब सभी लोगों को एक अच्छा कार्यक्रम आयोजन करने के लिए एक अच्छा सुंदर भव्य पुण्य आयोजन करने के लिए सभी लोगों को बधाई है। मैंने पहली बार एक प्रोग्राम यहाँ पे जनपद में इस लार्ज स्केल में एक बड़े स्तर पर देखा है। बहुत सुंदर आयोजन हुआ है, सभी लोगों को इसके लिए बधाई। जितने नए जोड़े आज 151 जोड़े हैं जो आज जिनकी शादी हो रही है, तो जितने नए जोड़े आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बधाई आशीर्वाद। बहुत ऐसी स्कीम्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं जो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत अच्छा पुण्य का काम उनमें हो रहा है। उनमें से जो सबसे नंबर एक पे स्कीम मैं मानती हूँ ये सामूहिक विवाह योजना है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोच रखी कि ऐसे परिवार जहाँ कोई बेटी पैदा होती है उसके आगे शादी का जो बोझ है परिवार पे ना पड़े, उनको ना लगे कि हमें अपनी रिसोर्सेज से बाहर जाके जो है इस आयोजन को करना पड़ेगा, उनको राहत देने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीमें चलाई है और आप सभी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छी धनराशि भी इसमें दी जा रही है। अब तक हमारे जनपद में 1325 जोड़ों की शादी हो चुकी है, तो एक तरह से कहें तो अगर हर जोड़े पर 51,000 खर्च कर रही है सरकार, तो लगभग 7 करोड़ का खर्चा जो है इस योजना में इस जनपद में हो चुका है। बहुत ही अच्छी अमाउंट है और इस सबका फ़ायदा आप लोगों को मिले।
इस तरह से आपके जो चेहरे पे आज खुशी है, ये हमेशा आप दोनों के बीच में जो प्यार है, खुशी है, हमेशा बनी रहे, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। और एक अच्छा आयोजन कराने के लिए जो हमारे यहाँ पर एंकर हैं, जो हमारे पंडित जी आए हैं, और सारा स्टाफ जो ब्लॉक का लगा है, समाज कल्याण विभाग का लगा है, उन सबको बधाई, धन्यवाद।